हे गाइस, हाउ इज द जोश। मैं हूँ चेतन फ्रॉम गेमिंग जोश और ये है पोको एक्स टू। पोको एक्स टू क्योंकि इसका अब मैं फिर से गेमिंग रिव्यू बनाने वाला हूँ, अब स्मूथ और एक्सट्रीम के साथ GFX 2 लगा के। क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि पोको X3 जो मैंने जिसका गेमिंग रिव्यू किया और जिसका हमने लाइव टेस्ट किया था, इसमें स्मूथ एक्सट्रीम में 60 FPS में इतना अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं था, तो क्या पोको X2 अभी भी एक बेटर चॉइस रहेगा या नहीं, वो हम देखेंगे यहाँ पर GFX 2 लगा के। तो अब आप जाके देखिए कि कैसा रहेगा इसका परफॉर्मेंस, और हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम करके ही खेलेंगे जैसे हम हर बार करते हैं। आपको जब ये दिखाना हो कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने कोरियन वर्जन यहाँ पर चूज़ किया है क्योंकि कोरियन वर्जन पर ही हम यहाँ पर खेलते हैं गेम को, और ग्लोबल वर्जन इज़ बैंड, तो हम वो रिकमेंड करेंगे भी नहीं कि आप खेलो, और हम खुद भी नहीं खेलते। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्मूथ एंड एक्सट्रीम, और मैं आपको फ्रेम रेट का मॉनिटर अब स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसा है इसका फ्रेम रेट। और हम थोड़े गेम्स खेलेंगे तो एक कंटिन्यूस वीडियो नहीं रहेगा, जब भी मेरे फ्रेंड्स आएंगे हम साथ में खेलेंगे और आपको मैं गेम प्ले दिखा दूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम FPS मॉनिटर भी एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको पता चले कि कैसा इसका फ्रेम रेट है। अभी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो 60 के आसपास ही घूम रहा है, इनफैक्ट 60 से एक एक बार ऊपर भी जा रहा है। Blue team has scored for the first time. Dead. Is about to win. No mercy. Enemy down. Blue team victory. So guys, हो गया यहाँ पर, आपने देखा ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं थे, बहुत ठीक ठाक चला गेम। लेट्स सी, अब क्लासिक्स खेलते हैं और आपको दिखाता हूँ वहाँ पर फ्रेम रेट कैसा जा रहा है। हेलमेट चाहिए मेरे को, नेट ठीक मार्क करके छोड़ दे। हाँ ये ट्रिपल स्टोरी पे भाग रहा था, यहाँ पे एनिमी है, आ रहा हूँ, कोई मार रहा है, मैं नीचे उतर रहा है, देख के फिनिक्स ऊपर नॉक होगा, कोई तो कोई इनसे मार रहा है कुछ। हाँ तो वहां पर बंदे गए थे दो, वहीं से एक बंदा भाग के आ रहा था, ये कब से मेरे पे चला रहा है, उसका एक शॉट भी मेरे को पड़ा तो नहीं अभी तक।
नितिन को मारते ऐसे बदले बनेगा। ये मार रहा था आपको भी एसएस। यार गन लूंगा अगर इसके पास होगी। बाइजन ना, बाइजन भी ले लूंगा चलेगा। यहाँ पे मैं रेड डॉट गिराया, नोकिया एक। एक आवाज आई बाहर से, उस तरफ से आ रहा है। नाइस। चले पीछे की तरफ। हाँ अभी और अभी बॉट उसको मारा था शायद, ये तो बंदा था। या एनिमीज, एनिमीज अहेड, एनिमीज अहेड, इसके पीछे। हाँ, इनका लास्ट बंदा हो सकता है जो हमने अभी तक मारे, एक या दो और होंगे ना। पीछे भागा शायद वो। नहीं ये पे टीपी भी ले रहे। खत्म। बेचारा चारों तरफ से फंस गया था ये तो। पड़े भी तो ऐसे ना, उसको समझ ही नहीं आया होगा मैं जाऊं तो जाऊंगा। ओ भाई कितना मस्त लैग हुआ। यहाँ सिर्फ बग्गी है, मैं कहीं जाके गाड़ी ढूंढ के लाऊं। निकलना तो है ही अपने को। हाँ निकलना तो पड़ेगा, बेस कैंप भी कर सकते हैं। मुझे चाहिए मुझे तो बिठा लो, अगर दूसरा बग्गी मिला तो मैं ले लूँगा। एक मिनट चला रहा फिनिक्स, चला रहा मैं एक वॉइस ओवर दे रहा। एक सेकंड माइक बंद कर दे। कर लिया करो कुछ, मतलब बीच बीच में माइक बंद करके ही वॉइस देता रहता। सो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो अभी बहुत हीटेड लग रहा है डिवाइस मुझे। ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज नहीं 45 है ऑलमोस्ट, और पीछे भी काफ़ी हीटेड लग रहा था। ये देखिए यहाँ पर 50.3 डिग्रीज पहुँच गया डिवाइस, और ये है हमारा फर्स्ट गेम अभी तो। मतलब एक तो मैंने इससे पहले खेला था वो था गन गेम, बट अभी भी टेम्परेचर 50.2 पहुंच गए एंड दिस इज़ ऑन स्मूथ एंड एक्सट्रीम। तो वो एक चीज़ है कि ग्राफिक्स तो भले ठीक से देने की कोशिश कर रहा है बट हीट भी इतना ही हो रहा है डिवाइस। और हाँ रूम का टेम्परेचर भी अगर आप मतलब यहाँ आपको यहाँ पर दिखा दो, ये 31 डिग्री से इज द रूम टेम्परेचर 31 के आसपास। अरे हमारे यार ये पागल है क्या? अबे नहीं दिखे तुम दोनों के नाम नहीं है, नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आया, रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। नाम ही नहीं आया तुम दोनों का, बिल्कुल नहीं आया। गाड़ी 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 फिर से गाड़ी। ए रुक रुक रुक, तू बैंड मत, सोते रहे एंड में खड़ा रहे। चलो 1 2 3 मारो। सब लेके गया था टेकी। अच्छा सब मतलब दो। हाँ हाँ बढ़िया। क्या वो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ओ यार शिट, कर कर कर। अरे प्लस साइन नहीं आ रहा। स्मोक किया है मैंने, स्मोक डाला है मैंने वहां पे। वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो गाड़ी पीछे ले रहे हैं। हाँ ये पुश करते हैं इसे, टेकी नीचे से नहीं जा पाएंगे। नहीं
बहुत लेट हुआ है, बहुत लेट हुआ है। क्या लेफ्ट में वो देखो वो। चल फिनिक्स, चल 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 चल, मरे तो मरे। चलो नाइस नाइस। मेरे को रिवाइव चाहिए। एक वो देख रहा है, एक देख रहा है। अरे अरे कहाँ से दिया ये? वहीं से दिया, वहीं से दिया, पीछे से, बस के पीछे ही है अक्षय। लवली लवली। चलो रिवाइव देना इसके बाद। सो गाइस, हमारा यहाँ पर एरेंगल का तो गेम खत्म होते हुए एक सैनाक बूट कैंप भी हम कर लेंगे और टेम्परेचर्स अब थोड़े कम हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी एसी भी ऑन किया। काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था मुझे सिचुएशन व्हेन एसी ऑफ थी और उसके साथ साथ जब हम गेम खेल रहे थे, तो 42 के आसपास है और यहाँ पर अब देखिए 26 के आसपास रूम टेम्परेचर भी आ गया है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं यहाँ पर बूट कैंप, फ्रेम रेट देखते हैं कैसा जा रहा है। अभी तक तो 60 के पास ही अटका हुआ है, 59-60। ऑलमोस्ट जब जंप करके लैंड हो रहे हैं उससे पहले देखते हैं क्या हाल है। वेरोस सो फ्रेम रेट्स अभी एक बार तो 40s में आए थे, फिर से वापस नियर 56 एंड 58। ये 30s में भी आ गए थे एक बार। भाई 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 भाई, बंदे 15 ये बंदे देखो हैं। गाइस ये देखो, दिस इज सेना बोट। ओह माय गॉड, मतलब ये लोगों ने ये मैप डाला है फोन टेस्ट करवाने के लिए। भाई नेक्स्ट वाले में भी बंदे हैं। पहली बार उल्टा होते हुए जितने यहां पे पैराशूट दिख रहा है आपको 220 में बेचारा ग्लिच हो पड़ा होगा। मेरे पास गन नहीं है। बैंडेज चाहिए, बैंडेज ये रहे। अच्छा बैंडेज गिरा है यहां पे, ये रहा मैं बैंडेज, बैंडेज लो ये लो यार, फर्स्ट एड गिरा दिया मैं, फर्स्ट एड लेकर आया मैं, लो फर्स्ट एड लो सीधा। बस गन नहीं है भाई, गन तुम सब लड़ो। हां ये भी चलो, अरे भाई बहुत दिया था मैं दोनों को, ले गया आराम से, ये आ गया ऑलमोस्ट। तो गाइस जैसे हमने कहा था, इस वीक हम अनाउंस करने वाले थे पोको X2 स्मार्टफोन का गिव अवे का विनर। फाइनली यहां पर अनाउंसमेंट हो रही है और हमारे यहां पर विनर है किरण वादिले। यहां पर आप नाम देख सकते हैं और उनकी एंट्री देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम रैंडमली कर रहे हैं हम गिव अवे, तो रैंडम विनर ही हमने चूज़ किया है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं ये देखूंगा कि कौन कितना एक्टिव है हमारे चैनल पर। बहुत सारे एक्टिव यूज़र्स थे बट उनमें से सिर्फ एक एक्टिव यूज़र यहाँ पर, लकीली वो एक्टिव भी थे, मुझे इनका नाम भी पता है, और वो ही लकीली जीते। बट नेक्स्ट टाइम से गाइस मैं ये देखूंगा कि हमारे एक्टिव यूज़र्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिले भी, क्योंकि गाइस काफ़ी लोग आते हैं सिर्फ गिव अवे में पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आपका सपोर्ट चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए चैनल में, तो आपको भी उतना ही आपको बेनिफिट रहे, उतना हमें जितना आपको देने को मौका मिले। तो दिस टाइम कॉन्ग्रेट्स किरण फॉर विनिंग द पोको X2 स्मार्टफोन, मगर नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे कि कौन कितना एक्टिव है। और हमारा गिव अवे आज ही आने वाला है, नया गिव अवे रहेगा इनफिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन का। तो ये है वो स्मार्टफोन हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ, और इस स्मार्टफोन का हम गिव अवे करने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। सो गाइस दैट्स इट, ये था एक क्विक डेमो। यहाँ पर आप देख रहे थे, मतलब इतना कम नहीं थे फ्रेम रेट जब हम इसको कंपेयर करते हैं पोको X3 के साथ, क्योंकि पोको X3 में तो मतलब ऑलमोस्ट 40 के आसपास ही गिर रहा था हर बार फ्रेम रेट। और वो उसका रीज़न ये है कि यहाँ वहाँ पर अभी तक ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है, तो अभी आगे जाके ऑप्टिमाइज हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो उसका परफॉर्मेंस खराब ही है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन अभी भी और ज़्यादा हो सकता है, तब हम देखेंगे कि कैसा उसका परफॉर्मेंस। अभी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट दैट गुड। सो दैट्स इट गाइस, दिस वॉज द क्विक गेमिंग ऑन द पोको X2 स्मार्टफोन। और अभी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये मेरे पास जो यूनिट है वो अभी MIUI ग्लोबल 12 पर आ गया है, मतलब MIUI 12 का अपडेट इसमें आ चुका है, तो ये सबसे लेटेस्ट MIUI पर है। और हम इसके गेमिंग फीचर्स की भी अलग से बात करेंगे, पोको X2 और X3 की ये फ़र्क दिखाएंगे कुछ कुछ है या नहीं,
और कंपैरिजन तो अलग से मैं डालूंगा इसका। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भूलें, शेयर करना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश हाई, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।